नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में इस रिम के ऊपर हम लोगों ने प्राइमर लगाया था, तो इस वीडियो में मैं इसके ऊपर पेंट चढ़ाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अभी से ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर मेरा प्राइमर पूरा ड्राई हो गया है और प्राइमर ड्राई होने के बाद इसको मैंने एक दिन दिया है सूखने के लिए। तो प्राइमर सूखने के बाद एक 400 ग्रिट सैंड पेपर आपको लेना है और फिर से प्राइमर को सैंडिंग करने को चालू करना है। तो प्राइमर को अच्छी तरह से सैंड कीजिएगा, कोई भी स्पॉट मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेंट जो है जो आप इसके ऊपर लगाओगे वो ठीक से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो आसानी से बाहर भी निकल सकता है। तो 400 ग्रिट सैंड पेपर लेके अच्छी तरह से सैंडिंग कीजिएगा। तो इधर मैं रिम के दोनों साइड में पेंट लगाने वाला हूँ, तो रिम को अभी मैं ऐसे घुमाऊंगा और दूसरे साइड भी अच्छी तरह से सैंडिंग करूंगा। आपको इतना भी सैंडिंग करके प्राइमर को हटा के मेटल को एक्सपोज नहीं करना है, सिर्फ हल्के से सैंड करके सैंड पेपर को अपना काम करने देना है और प्राइमर को फ्लैट बनाना है। तो सैंड करते समय एक दोस्त मुझे मिलने को आया, तो उसको देखने को थोड़ा मैं इधर जाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये मेरा पड़ोसी का कुत्ता है जो मुझे मिलने को आता है रोज। तो अभी चलिए फिर से सैंडिंग कंटिन्यू करते हैं। अब जब आप पेंटिंग का काम करते हो तो सैंडिंग बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग सैंडिंग करना नहीं चाहते और ऐसे ही पेंट लगाते हैं। अगर आप बिना सैंडिंग के पेंट लगाते हो तो कुछ दिन बाद वो पेंट पील ऑफ होने को चालू हो जाएगा। तो सैंडिंग को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। तो सैंडिंग प्रोसेस मेरा करके इधर हो गया है, तो अब मैं प्रेशर्ड हवा मार के सब धूल को बाहर करूंगा। अभी इधर आप देख सकते हो मैंने जो मेरे टायर को मास्किंग किया था वो अभी तक वैसा ही है। अभी कभी कभी क्या होता है, अगर आप ज़्यादा देर लगाते हो पेंट को लगाने को प्राइमर लगाने के बाद, मतलब 4-5 दिन रुकते हो, तो जो प्राइमर आपके प्लास्टिक के ऊपर लगा है ओवर स्प्रे जैसा, वो आपका बाहर निकलने को चालू हो जाएगा। और जब आप पेंट स्प्रे करते हो तो जो प्राइमर प्लास्टिक के ऊपर है उसके फ्लेक्स बाहर निकल के आपके पेंट के ऊपर बैठ जाएंगे। तो अगर आपका प्राइमर लगा के बहुत दिन पास हो गए है तो ये प्लास्टिक को हटा के फिर से टायर को मास्किंग कीजिए, नहीं तो आपका पेंट जॉब पूरा खराब हो सकता है। तो सब धूल को बाहर करने के बाद इधर मैं अभी लूंगा एक डिग्रीजर या वैक्स एंड ग्रीस रिमूवर और ये लेके मैं पूरे रिम को अच्छी तरह से वाइप करूंगा। तो अगर मेरे रिम के ऊपर वैक्स या ग्रीस या ग्राइम है तो वो सब ये खींच के लेगा और मेरा सरफेस जो है, मेरा सतह जो है, वो अच्छा क्लीन छोड़ देगा। तो वैक्स एंड ग्रीस रिमूवर से वाइप करने के बाद इसको 10 मिनट डीजे सूखने के लिए और तब तक आप पेंट मिक्स कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा किरारा पेंट जो एक सिंगल स्टेज पेंट है और एक रिम को पेंट करने के लिए 100 ml काफ़ी है। एक्चुअली 80-90 ml काफ़ी है, लेकिन मैं साइड में और भी कुछ पेंट कर रहा हूँ तो 100 ml मैंने पूरा लिया है। और इसमें आपको डालना है 30% PU थिनर और 30% हार्डनर। ये सब चीज़ें आपको पेंट के साथ ही खरीद के लाने हैं, क्योंकि इस पेंट में अगर आप हार्डनर नहीं डालोगे तो ये घट नहीं होगा और अगर ये घट नहीं होगा तो आपके रिम को प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और जो भी मिक्सचर आपने तैयार किया है वो अभी आपको स्प्रे गन में डालना है, आपकी PSI सेट करनी है, आपका स्प्रे पैटर्न सेट करना है और पेंट लगाने को चालू करना है। तो अगर आप लोगों को ये रिस्टोरिंग प्रोसेस अच्छा लगा और अगर आप आपके खुद के पेंट जॉब्स ऐसे घर पे करना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग, जिसका लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा। उधर जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखने को चालू कीजिए। Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I got. अभी रिम के पीछे की साइड जो है इसके ऊपर मैंने पहले पेंट लगाया है। अभी टायर रिम के ऊपर रख के पेंट लगाना यही एक फायदा है कि आप रिम को ऐसे बीच में टर्न कर सकते हो और आपका रिम जो है वो नीचे टच नहीं होगा क्योंकि टायर उसके बाहर रहता है और आराम से आप दूसरे साइड में पेंटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके मैं 2 coats लगाने वाला हूँ। ये सिंगल स्टेज पेंट है तो इसके ऊपर आपको क्लियर कोट नहीं लगाना है, ये डायरेक्टली हार्ड होके आपके रिम को प्रोटेक्शन देगा। Make some progress.
तो एक कोट लगा के मेरा इधर हो गया है और एक कोट लगाने के बाद मेरा रिम अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इधर आप देख सकते हो। अभी मैं इसको 15 मिनट दूंगा सूखने के लिए और दूसरा और आखिरी कोट लगाऊंगा। तो 15 मिनट मेरे इधर हो गए हैं और रिम को अभी मैं टर्न करूंगा फिर से, जो पीछे की साइड है वो साइड मैं पहले पेंट लगाऊंगा। अभी मेरा ये रोटेटिंग टेबल जो है जिसके ऊपर मैंने प्लाईवुड लगाया है वो थोड़ा बैंड हो गया है, इसी वजह से रिम जो है वो टेबल को टच हो रहा है थोड़ा, तो इसी वजह से मैं ऐसे दो लकड़ी के टुकड़े टेबल के ऊपर रखूंगा और उसके ऊपर टायर रखूंगा। ये सिर्फ मुझे पीछे के साइड में जब मैं पेंट लगा रहा हूँ तभी रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो आगे की साइड है वो प्लाईवुड को टच हो रही है थोड़ी। लेकिन जब मैं इस रिम को घुमाऊंगा तो ये साइड आप लोग जानते ही हो रिम कैसा शेप में है, वो अंदर के साइड में है, तो ये साइड कुछ टच नहीं होता है। तो रिम घुमाते समय मैं वो लकड़ी के टुकड़ों को निकाल के आगे की साइड में पेंट लगाऊंगा। तो एक साइड में मेरा पेंट लगा के इधर हो गया है, अब मैं इसको टर्न करूंगा और लकड़ी के टुकड़े जो है उनको मैं निकालूंगा और अभी मैं दूसरे साइड में पेंट करने को चालू करूंगा। तो एक कोट जब मेरा लगा के हो जाता है तो मेरा पेंटिंग प्रोसेस करके खत्म हो जाता है। तो इधर मेरा फाइनल कोट लगा के हो गया है, तो इसको मैं एक दिन दूंगा सूखने के लिए और कल मैं इस रिम को गाड़ी के ऊपर बिठा सकता हूँ। लेकिन रिम को कार के ऊपर बिठाने से पहले मैं इस रिम का टायर रिप्लेस करूंगा, उसका व्हील बैलेंसिंग करूंगा क्योंकि इसके बैलेंसर्स मैंने निकाले हुए हैं, और बाद में कार के ऊपर बिठाऊंगा। तो ये स्टेप्स करने भी बहुत जरूरी होते हैं। तो वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन का दबाए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। और अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखना चाहते हो तो मेरे ऑटो स्प्रे पेंट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लेकिन जाने से पहले चलिए देखते हैं इस रिम के फाइनल शॉट्स।